नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान खंदौली पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खंदौली पुलिस को सूचना मिली थी कि यमुना एक्सप्रेसवे से मलुकपुर जाने वाले रास्ते पर 25,000 रुपए का इनामी बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया। बताया गया है पुलिस ने जान लेने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी जब बदमाश पर गोली चलाई तो बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिससे बदमाश घायल हो गया और उसे इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। आगरा पुलिस की 25,000 रुपए के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई है। बताया गया है कि कुख्यात लुटेरे पर लगभग आधा दर्जन से अधिक मुकदमे चल रहे थे, जिनमें वह फरार था। लूट, छिनौती और चोरी जैसी कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें आरोपी फरार चल रहा था। फिलहाल में उसने थाना खंदौली क्षेत्र में एक लूट की घटना को, बाइक लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें वो फरार था और आज भी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने जा रहा था। इसी बीच पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई और जानिए क्या कुछ बोले हैं अधिकारी। मौके पर पहुंचे डीसीपी और एसीपी सुकन्या शर्मा भी मौके पर पहुंची है। डीसीपी ने देखिए क्या कुछ बताया है और क्या क्या चोर से, लुटेरे से, बदमाश से देखिए क्या क्या सामान मिला है और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को जानते हैं डीसीपी सोनम कुमार से। आज दिनांक 27/1/2024 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि नवंबर 2023 में नादव पुल पर मोटरसाइकिल लूट की घटना कारित करने वाला अभियुक्त यमुना एक्सप्रेसवे से मलुकपुर जाने वाले रोड पर जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा वहां पहुंचने पर चेकिंग के क्रम में अभियुक्त द्वारा पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया गया, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षात फायर किया गया जो अभियुक्त के दाएं पैर में लगी है। घायल अभियुक्त की पहचान करण उर्फ जहरी के रूप में हुई है और उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त पर लूट, गैंगस्टर आदि के 7 मुकदमे हैं और वह 25,000 का इनामिया भी है। घटनास्थल से एक तमंचा, 315 बोर, 2 खोखा और 1 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल पैशन प्रो बरामद किया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ जुड़े रहे आप हमारे साथ और देखते रहे हिंदुस्तान सिविल न्यूज़।